वी आर ऑल सेट टू गो। मैं एकदम लग रहा हूँ ना डॉल जैसा। गाइज मैंने पहली बार लंच ट्राई किए हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे लॉन में। भगवान ने हम लोगों की सुन ली है, धूप आ गई है। ये सोचो ये अगस्त है, अगर हम मतलब इससे पहले वाले मंथ्स में कराते तो क्या होता। ये देखिए हम बारिश शुरू हो गई है, आपको दिख रही होगी। हम लोग भीगते हुए शूट कर रहे हैं। हाँ भैया उसका मेकअप भी चाहिए। नहीं हो रहा, भाग मत दौड़ो। इतना बुरा तो नहीं सोचा था। थोड़ी देर रहेगी ऐसी वाली बारिश, थोड़ी देर रहती, बादल चले जाएंगे, बंद हो जाएगी। भारी बारिश की वजह से हमें यहाँ शूट करना पड़ा, क्योंकि ना बहुत पीला लिखा हुआ ना। मैं सुबह से कह रही थी जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर अब तक मुझे कुछ भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। बैंड बजी है मेरे फेस की। सो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, ड्रेस चेंज करेंगे एंड दूसरे शूट के लिए तैयार होंगे। लगी तो नहीं? नहीं लगी नहीं। तुमने क्या बाहर से? नहीं नहीं, वो तो तेरे पीछे मुझे तुम पे सह गए। मैंने कहा बाहर के बटन से कर मैंने दबाया था कि मैं बस सोच रही कि शादी में तो इतना पसीना नहीं आया था, शादी में इतना हैवी हैवी मैं था, ठंडियों में थी। हां फिर याद आया यार, वो तो नवंबर में थी। अभी इसमें नहीं दिख रहा है ना, इसमें नहीं दिख रहा, लेकिन ये देखो ध्यान से देखो, ये देखो इसमें भी नजर आ रहा है। कहीं हम नीचे ना सिर्फ खुश। हाथ क्यों डाल रही है इसमें पागल? हाथ ही तो डालते हैं है? हाँ। ये पता है क्या किया इसने? मैंने लिफ्ट रोकने के लिए हाथ किया, ये नीचे पाँव पटक रही है ऐसे करके। मैंने सोचा ये टेक्नोलॉजी इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए। पागल मेरे से तेरा हाथ दब जाएगा इसमें। मुक्की की आवाज आएगी ना बहुत तेज, पर इस वक्त ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों हमारे लिए। और ये देखो हम लोगों का रूम कैसे बिखरा हुआ है। भैया ने कहा था ड्रेस ऐसे लगा देना और आप लोग रेडी हो के आना, पर हम इतने एग्जॉस्ट हो गए हैं, अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है कि काश लॉन में भी एसी ही होता ना, मज़ा आ जाता। और मतलब जब तक हमारा इस ड्रेस में फ़ोटोशूट हुआ है ना, बाहर इतनी तेज़ बारिश थी और अभी देखो बाहर धूप आ चुकी है। पता नहीं क्या ही चल रहा है, कभी धूप कभी बारिश, बस मुझे कोई मतलब नहीं, बस मेरी फ़ोटोज़ अच्छी आ जाए। और ये वाली ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी, ऐसा सिंड्रेला वाला इफेक्ट आ रहा था ना इसमें, बट अभी मुझे चेंज करनी पड़ रही है। मन तो नहीं है, लेकिन इससे भी बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस हैं मेरे पास अभी, तो मैं वो वाली ट्राई करूँगी। मेरा बीपी एकदम से डाउन हो गया था, मुझे ऐसा लगा मैं चक्कर खा के गिर जाऊँगी। थोड़ी देर शूट से ब्रेक लिया और फिर दोबारा से स्टार्ट किया, तो अभी भी मैं सो ये रहा मेरा दूसरा लुक। सो मैंने क्राउन पहना है मेरे बैचलर्स पार्टी का, और ये रही मेरी ड्रेस। सो अभी तैयार हो गए, बारिश रुक गई है, उन्होंने कहा कि बाहर एंट्रेंस पे हम लोग शूट करेंगे, तो देखते हैं। हाँ बारिश रुक गई, आ रही है, जा रही है बारिश। चलो 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 चलो, भैया लोग वेट कर रहे हैं कब से यार। इसमें तो मैं सुंदर लग रहा हूँ, तो कपड़े छीन के पर इसमें बोले मैं भी खिंचवा लूँगी, लगे आया था ना। चलो थैंक यू सो मच। इसका पूरा आउटफिट का लुक ना मैं कहीं पर दिखा दूँगी आपको। शो कौन सी मौसी थी मुझे वो बनना है, स्माइलिंग मौसी। यहाँ पे ऐसी क्यों लग रही, पता नहीं लाइट में बाहर आके मैं और चमक रहा ज़्यादा अलग से। मुक्की को देख, ये बिना मेकअप के हैं दोनों, और मैंने मेकअप किया तो मैं अलग ही लग रही हूँ। मैं लग रही हूँ ना वो प्रिंसेस, वो आती नहीं बारबी डॉल्स में। कहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग? अब हम लोग शायद प्रॉप्स के साथ करने वाले हैं। अच्छा ऐसा है, ये डैड टू बी और मॉम टू बी। बड़ा दोबारा हाथ छोड़ के फिर पकड़, अब पकड़ हाँ। उधर से मत पकड़। हाँ पोजीशन, यस वेरी गुड। तो गर्ल ही चाहिए आपको पता है, मैं कोरदार से आई हूँ इसके लिए स्पेशली, एक दिन की छुट्टी लगे। ये देखो कैसे हमने सामान ऐसे फैला रखा है। Get the props. और एक मेरे पास भी है स्माइलिंग मौसी, बिकॉज आई एम ऑलवेज स्माइलिंग। और ये मेहनती क्रमट जुजारू भैया। सो माई लव, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बहुत एग्जॉस्टेड, मैं इतना थक गया हंस के।
हंस हंस के मेरे ये चीज़ दर्द हो रही है। ये चीज़ ना मेरी शादी के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी जॉब वाली, क्योंकि ऐसे स्माइल स्माइल स्माइल, अब बंदा नेचुरल कितनी देर तक स्माइल करेगा, है ना, थोड़ी देर तक फेक स्माइल हो जाती है ना, ये दर्द हो रहा है। ये जो कपड़े मेरे इतना टाइट हो चुके हैं ना कि मैं ना अपना पेट ही पूरा खोल नहीं पा रहा हूँ, पूरा पेट खोलूंगा पैंट फट जाएगी। तो मुक्की कह रहा मैं एग्जॉस्ट हो गया। मैंने मुक्की को बोला कि आर यू मेकिंग ऑर्गन्स, आर यू मेकिंग बेबी। स्मार्ट लग रहा हूं मैं, बस ये देखो बंद भी नहीं हो रहा है। आई एम मेकिंग अ फुल बेबी हियर एंड ही इज फीलिंग एग्जॉस्टेड। मैं तो प्रेग्नेंट हूं, मैं तो चौड़ा हो गया। सो ये मेरा दूसरा लुक था गाइज, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे तो ये बहुत पसंद आया ये वाला लुक, और मुक्की को मैं इस वाले लुक में ज़्यादा अच्छी लग रही हूं, मतलब पहले वाले में नहीं, और दीदी को भी यही वाला लुक पसंद आया। तो लेट्स सी कि फोटोज़ किस में अच्छी आती हैं। अभी फिलहाल हम प्रॉप्स वगैरह से फोटो क्लिक करवा रहे थे, कुछ फोटो देखी मैंने भैया की, भैया का काम बढ़िया है, बढ़िया है, अच्छी फोटोज़ खींच रहे हैं, बाकी तो फोटो मिलने का। हाँ, पेशेंटली खींच रहे हैं और मतलब हमें भी टाइम दे रहे हैं पोज सेट करने का, हमें पोज बता रहे हैं, और साथ में ना जो हम पोज बता रहे हैं भैया को वो भी कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब थोड़ा चिड़चिड़ करते हैं, नहीं बहुत कामली हम लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। बस अभी शूट हो जाए, अभी 7 बज चुके हैं लेकिन शूट अभी भी बाकी है हम लोगों का, क्योंकि 2 ड्रेसेस मेरी और भी बची है, और मुझे तो मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है देखती रहूं। आज जो मैंने मेकअप करवाया था ना वो ऐसे ही इसलिए करवाया था ड्रेसेस के अकॉर्डिंग कि सारी ड्रेस में वो सारा मेकअप चल जाए। तो मैंने अपने बालों पे स्प्रे वगैरह लगवा रखा, हालांकि मैं अपने बाल छू नहीं पा रहा हूं। और यहां पे देखो मेरी बहन ने मेरे फूल भी लगा दिया है, बहुत प्यारा मेकअप लग रहा है। मैं जब जब देख रही हूँ ना, थैंक यू सो मच प्रतीक भैया, बहुत ही प्यारा मेकअप है, मैं बार बार देख रही हूँ, और आईज तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है अपनी, लव इट। डन फॉर द सेकेंड ड्रेस, अब हम लोग जा रहे हैं रूम पे दोबारा चेंज करने के लिए, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। दोस्तों सो गाइज ये रहा मेरा तीसरा लुक और ये मेरी तीसरी ड्रेस, आप देख सकते हो। अभी हम लेट हो रहे हैं तो फटाफट से आ जाओ भैया, हमारा वेट कर रहे हैं। हम लोग अभी फोटोज देख रहे हैं अपनी, मस्त आई होता है, देख रहे हो आप लड़की कितनी मेहनत कर रही है। थक गए आप? ये देखिए दोस्तों रूम की हालत, सुबह थोड़ा समेट गया है। हाँ सुबह कैसा था और इस वक्त कैसा है? 9:30 हो गया ना, 3:30 से लगे हम। ये देखो सारी ज्वेलरी, कपड़े, मुक्की के कपड़े अलग, हैंड बैग, शूज़ का बैग भी अलग पड़ा है। अब इस फटाफट से हम लोग समेटते क्योंकि बहुत लेट हो गए हम लोग, सब देखना अपने काम में लग गए, फटाफट बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। मुक्की ये नहीं करना था वीडियो में यार, थोड़ी देर तो रुक जाते। सो फ्रेंड्स एक ड्रेस मेरी ये वाली थी, ये आप लोगों ने मेरी देखी भी होगी, मैंने सिस्टर इन लॉ की शादी में पहनी थी ये वाली ड्रेस, बिल्कुल बारहवीं वाला लुक आया था और उस दिन भी मुझे प्रतीक भैया ने रेडी किया था। तो ये वाली ड्रेस है, लेकिन अभी हम लोग इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं ना, तो ये वाली ड्रेस को हमें स्किप करना पड़ेगा। मन तो था इसमें, बट वैसे मैंने ऑलरेडी पहनी हुई है ये वाली, है ना, बट कोई बात नहीं, चलो। हाँ बहुत ज़्यादा इसका फ्लेयर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर इसमें ना टमी नहीं दिख रहा था, है ना, नहीं ऐसे कर रही थी तब। हाँ वैसे नहीं दिख रहा था। और एक और थी बॉडीकॉन वाली, ये वाली बॉडीकॉन थी, भैया इसी के बारे में पूछ रहे थे कि है आपके पास, इसमें भी काफ़ी अच्छे से कमी दिख रहा था। हाँ ये वाली थी, बट भैया ने फिर ना मेरी इस वाले में ले ली क्योंकि इसमें टमी काफ़ी अच्छे से शो रहा था, एकदम मतलब बॉडीकॉन टाइप ही थी, वैसे उतने हल्का सा फ्लेयर है इस वाली ड्रेस में, तो इसमें कर लिया था भैया ने। फाइनली हो गया है फ़ोटोशूट, अब फटाफट से पैकिंग करते हैं और घर चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और अब भूख भी लगने लगी है, प्यास भी लगने लगी है। अब चेंज करते हैं और चलते हैं सीधा घर। जाने से पहले तुम्हें ये काम करना जरूरी था। अरे ये मेरे साथ भी हुआ था, ये लॉक हो गया, मेरी बहन फंस गई अंदर। मैं कह तो रही थी उसको बंद मत करो। अरे ये दरवाजा लॉक हो गया। चाबी रुक जा बहन, वो खोल रहे हैं, रुक जा। बीच में करना, बीच में नहीं है वो, नहीं बीच सेंटर पर, वो फिर भी ऐसे हो रहा है, मैं भी फंस गया था इसमें। थैंक गॉड मैं नहीं फंसा, मुझे सफोकेशन होने लग जाती है, पहले बंद नहीं हो रहा था। अच्छा चलो बाय बाय रूम, हम लोग जा रहे हैं वापस अपने दोबारा से असली हालत में आ गई हूँ, अभी घर जाके मेकअप रिमूव करती हूँ। हाँ भैया अचानक से एकदम बिल्कुल टाइम हो गया,
ये देखो किस रूप में आके सही बात है, हमारे पास इतना सारा सामान था ना, दीदी अभी वॉशरूम में लॉक भी हो गई थी तो भैया एकदम से आ गए, ज़्यादा देर नहीं हुई। इस हैंकिंग ने ना इतनी मदद की आज दोस्तों, मैं जान सकती इसमें सारा मेकअप लगा है। लेंस निकालने हैं यार, ये देखो कैसे निकलेंगे पता नहीं, पर अब मन नहीं कर रहा निकालने का, खूबसूरत लग रही हूँ मैं। खूबसूरत ऐसे तो मैं हूँ लेकिन इन्हें लगाने के बाद और ज़्यादा लग रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि अपने ही शहर में मैं किसी होटल में रुकने के लिए आई हूँ। रुके कहाँ? पर मतलब काम करने आए थे वैसे तो फोटोशूट किया चलती और वापस, तो और देखते किसी दिन चलेंगे स्टेकेशन के लिए, मन तो मेरा बड़ा है बट पता नहीं अब जब बेबी हो जाएगा कई महीनों बाद मुझे छुट्टी मिलेगी और फिर हम लोग जा पाएंगे कहीं और घूमने के लिए। फिलहाल तो अभी घूमना छोड़ो, घर चलते हैं। क्या हम नॉन वेज नहीं खाते? मुझे लगा तुम दोनों सो गए होंगे, पाँव टेढ़ा दिख रहा है सोच के धरो गया खड़ी सुबह से खड़े है ना, देख लो। हम लोग पहुंच गए हैं अपने घर, मेरे जो पाँव हैं उनकी तो बैंड बच चुकी है एकदम ही, बहुत ही ज़्यादा सूज गए हैं। वैसे तो मुझे स्वेलिंग पहले से ही है लेकिन इस टाइम तो मतलब पाँव का स्ट्रक्चर है ना जो बिल्कुल ही बदल चुका है, क्योंकि ऑलमोस्ट इतने टाइम से खड़ी थी और इस टाइम पे ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना चाहिए, बट फोटो शूट था तो उस चक्कर में अभी मालिश करनी पड़ेगी पाँव में। मैंने आज पहली बार लेंस लगाया था और मेरा एक्सपीरियंस जो है बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि एकदम चेंज हो जाता है आपका लुक लेंस लगाने के बाद। मे बी मैं बाद में नेक्स्ट टाइम कभी ट्राई करूँगी पर उससे पहले मुझे सीखना पड़ेगा कि लेंस लगते कैसे हैं। सो बहुत प्यारा मेकअप था, अभी भी है, पसीने में बहा भी कुछ मेकअप बट अभी तक इंटैक्ट है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू प्रतीक भैया वंस अगेन, बहुत 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 प्यारा लुक था मेरा। और मतलब भैया ने मेकअप भी वैसे ही किया था कि सारी ड्रेसेस में मेरा चल जाए तो हो गया था, बाल बाद में मैंने ऐसे जूड़ा सा कर लिया था, लास्ट में मैंने जूड़ा थोड़ा सा मैसी बन कर लिया था ताकि थोड़ा सा लुक जो है वो थोड़ा चेंज आए। बस दो ड्रेस बची थी उसमें नहीं हो पाया। हैट्स ऑफ टू एक्टर एंड एक्ट्रेसेस जो इतनी वेदर कंडीशंस में काम करते हैं, ठंड में गर्मी में बरसात में, पता नहीं वो लोग कैसे कर लेते हैं यार। और मेरी तो आज ही हालत टाइट हो गई थी मतलब, और एक बार तो मुझे ऐसा लगा मेरा बीपी एकदम से डाउन हो गया था, मुझे ऐसा लगा चक्कर आने वाला है, फिर मैं बैठ गई थोड़ा देर, तो उन भैया ने भी मतलब कोऑपरेट किया मेरे साथ जो फोटोग्राफर भी आते। तो बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक डे था आज मेरे लिए, मेरे लिए नहीं मतलब हम सबके लिए, मुक्की के लिए भी, दीदी के लिए भी, वो स्पेशली एक दिन का ऑफ लेके आई है मेरे लिए क्योंकि इस टाइम पे ना यहाँ पे कांवड़ चल रहे हैं तो वो जो हरिद्वार वाला रूट है ना वो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है इस टाइम पे सावन के महीने में तो ट्रैफिक हो जाता है। उसने स्पेशली मेरे लिए एक दिन का ऑफ लिया, वहाँ से ड्रेसेस लेके आई मेरे लिए, उसने भी पूरा टाइम मेरे साथ सफ़र किया मतलब वहाँ पे, लेकिन थैंक गॉड दीदी आ गई थी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मुक्की और मैं होते तो नहीं कर पाते, तो दीदी भी आ गई थी तो दीदी को भी बड़ा वाला थैंक यू, अगर वो नहीं आती तो नहीं होता ये सब कुछ भी पॉसिबल, कुछ भी नहीं कर पाती मैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा एक माइलस्टोन कंप्लीट हो गया प्रेगनेंसी का, क्योंकि ये टाइम ना दोबारा नहीं आता। मुक्की कह रहा था कि बाद में करवा लेंगे, मैंने कहा नहीं, अगर ये टाइम निकल गया फिर नहीं होगा, टाइम बस आने ही वाला है। और एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि यू नो अब मेरा बेबी आने वाला है तो मतलब उसको देखने का, उसको छूने का, मतलब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी, कि कभी कभी तो मुझे लग ही नहीं रहा कि हाँ मेरा बेबी होगा, तो ऐसी वाली चीज़ें हो रही है तो मिक्स्ड फीलिंग है। जैसे लड़कियों की शादी होती है तो उस टाइम पे मिक्स्ड फीलिंग होती है, लड़कियाँ खुश भी होती हैं कि शादी हो रही है लेकिन उसी टाइम पे दुख भी होता है कि अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, तो मिक्स्ड फीलिंग होती है ना, तो सेम मिक्स्ड फीलिंग मुझे अभी भी हो रही है। मैं थोड़ी सी नर्वस भी हूँ लेकिन मैं एक्साइटेड भी हूँ, तो बस भगवान से ही दुआ करूँगी कि सब कुछ अच्छे से हो जाए और आप भी मुझे प्लीज़ अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स मुझे दीजिएगा। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग मेरा पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डोडोज व्लॉग, और नए व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल एंड फील ब्यूटीफुल एंड बी योरसेल्फ, बाय गाइस, अपनी ब्लेसिंग्स देना प्लीज़ मत भूलिएगा, टाटा। अब आएगी परीक्षा की घड़ी। ओ ये तो बहुत ईजी है निकालना, वाह मैंने पहले ही अटेम्प्ट में निकाल दिया। ये देखो ये रहा मेरा लेंस, वाह ये भी निकल गया एकदम। बहन तो अच्छी टीचर है तूने अच्छे से बताया इसलिए मैंने निकाल दिया।
फोटो शूट के चक्कर में ना पाँव की बैंड बच चुकी थी, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी आ गई थी पाँव में, तो मम्मी यहाँ पे मालिश कर रही है मेरी, जिससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो अगर आपको मटर्निटी शूट करवाना है तो प्लीज़ 7th 8th मंथ में करा लेना, लेकिन 9th मंथ में मत करवाना, मेरी तरह गलती मत करना।